15 दिन में ग्रीन कॉरिडोर का काम शुरू, 75 करोड़ में दिया गया ठेका। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। लखनऊ को नया रोड नेटवर्क देने के लिए कौमती किनारे ग्रीन कॉरिडोर पर काम 15 दिन में शुरू हो जाएगा। इसके लिए एलडीए ने गुजरात की कंपनी भारतीय इंफ्रा को 75 करोड़ रुपए में ठेका दिया है। पहले चरण में IIM रोड से पक्का पुल तक 6.8 किलोमीटर में 4 लेन सड़क का काम मार्च 2024 तक पूरा होगा। इसके बाद वाहन IIM रोड पर हरदोई सीतापुर बाईपास से सीधे शहर के अंदर पक्का पुल टीले वाली मस्जिद तक आ सकेंगे। फरवरी के पहले हफ्ते से ग्रीन कॉरिडोर का काम शुरू होगा। गांव घाट पर इसके एलिवेटेड हिस्से के लिए लखनऊ की कंपनी मित्तल ब्रदर्स ने कार्यस्थल पर कार्यालय खोल दिया है। इसके विशेषज्ञों ने शनिवार से पिपर वाली जगह पर जेसीबी से खुदाई कर मिट्टी की भी जांच शुरू कर दी। कंपनी ने लगभग 28 करोड़ में पुल का ठेका लिया है। उधर ग्रीन कॉरिडोर के काम का ठेका लेने वाली गुजरात की कंपनी को काम के अधिकार का पत्र देने की प्रक्रिया में अभी हफ्ते भर का समय लगेगा। योजना पर काम कर रहे इंजीनियर ने बताया कि आधुनिक तकनीक से बंधा बनाया जाएगा। इससे जहां बंधा रोड को मजबूती मिलेगी तो काम भी तेजी से पूरा हो सकेगा। इसमें री एम्फोर्स वॉल का उपयोग होगा, जिससे बारिश या बाढ़ के दौरान मिट्टी कटने और सड़क खराब होने की शिकायतें नहीं आएंगी। इससे पहले से तैयार री एम्फोर्स पैनल से रिटेनिंग वॉल तैयार होती है, फिर मिट्टी का काम कराया जाता है। कच्ची सड़क तैयार होने के बाद उस पर 4 लेन के डिवाइडर सहित पेवमेंट रोड बनाई जाएगी। IIM रोड पर पक्की पुल वाले बंधे को जोड़ने के लिए गौमती पर बनने वाले पुल के डिजाइन IIT वाराणसी पहुंच गई है। वहां के विशेषज्ञ इसका अध्ययन करने के बाद जो राय देंगे उनके आधार पर इसी महीने से पुल का काम शुरू हो जाएगा। प्राधिकरण की इंजीनियरिंग इकाई के अफसरों ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर एवं गौमती पुल के प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होने के लिए समय दिया गया। प्राधिकरण का लक्ष्य इससे पहले काम पूरा कराने का है। इसके लिए निगरानी कमेटी बनेगी जो काम की गति पर नजर रखेगी। एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि ग्रीन कॉरिडोर के पहले चरण में पुल बनाने वाली कंपनी ने गौमती किनारे डेरा जमा दिया है। कंपनी ने पिलर बनाने वाली जगह पर मिट्टी की जांच करना भी शुरू कर दिया है। डिजाइन पास होते ही पुल बनने लगेगा। आपको बता दें, पहले चरण में IIM रोड से पक्का पुल 6.8 किलोमीटर, दूसरा चरण पक्का पुल से पिपराघाट 9 किलोमीटर, तीसरे चरण में पिपराघाट से शहीद पथ तक 6.5 किलोमीटर और चौथे चरण में शहीद पथ से किसान पथ तक 5.7 किलोमीटर।